आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं अतहर हुसैन, चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज ईद उल फित्र का त्यौहार है। इस त्यौहार के पावन पर्व पर आज मैं सभी देश व प्रदेश वासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी शासनिक व प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस परेशानी और इस मुसीबत की घड़ी में जिस तरह से उन्होंने अपनी मुस्तैद होकर अपनी ड्यूटी को निभाया और नगर की जनता को सुरक्षित किया और इसमें विराम लगाया। आज कोरोना की बीमारी से लड़ रहे लोग अपनी जान को खो बैठ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ, सभी देशवासियों से अनुरोध करता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करें और कोरोना वायरस की बीमारी से सुरक्षित रहें। इसी के साथ मैं अपने टीम की तरफ से, एसीआई न्यूज़ की तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूँ और दो शेर भी शेयर करना चाहता हूँ। वो पेश है, चांद निकला था आसमां पर, सबके घरों में उजाले गए हैं। चांद निकला था आसमां पर, सबके घरों में उजाले गए हैं। और ये मुकद्दर की खूबी तो देखिए, ये मुकद्दर की खूबी तो देखिए, हम लोग लॉकडाउन में पाले गए हैं। एक शेर और याद आया मुझे कि चांद की अपनी दीद हो जाती, दिल की पूरी उम्मीद हो जाती, तुम जो आकर गले से लग जाते तो हमारी भी ईद हो जाती। मैं इसके साथ सभी के धन्यवाद देता हूँ, सभी अधिकारी, शासकीय प्रशासनिक अधिकारी व देशवासियों को एक बार फिर तहे दिल से ईद की शुभकामनाएं देता हूँ और एसीआई न्यूज़ की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।